मिर्जापुर में गरीब का घर उजाड़ने और जमीन पर कब्जा के आरोप में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर जमीन पर अवैध कब्जा कराने के मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एक और प्रदेश सरकार भू माफिया और अवैध जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त है। सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों से निपटने के लिए एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाया है। तो वहीं कोर्ट ने मिर्जापुर में तैनात रहे एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ एक बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हर व्यक्ति कानून के दायरे में है और एक गरीब महिला चमेला देवी थी, उसी के घर को नाजायज ढंग से तत्कालीन SDM महोदय राजेंद्र पैसिया ने पुलिस बल के साथ कब्जा कराया, उसका घर भी गिरवा दिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को उसने प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय में एप्लीकेशन दिया 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। उसमें यह है कि अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सुपरवाइजरी पावर न्यायालय को है, तो न्यायालय के आदेश से 156(3) का प्रार्थना पत्र कि भाई FIR दर्ज करके विवेचना कराया जाए। दरअसल कटरा कोतवाली के सबरी मोहल्ला में रहने वाली बुजुर्ग चमेली देवी अपने अजिया ससुर के जमीन पर रहती हैं। खसरा खतौनी में उनके ससुर का नाम चला आ रहा है, जिसका मामला SDM न्यायालय में चल रहा था। आरोप है कि उस पर भू माफिया कब्जा करके प्लाटिंग करना चाहते थे। पीड़ितों का आरोप है कि तत्कालीन SDM राजेंद्र पेशिया ने धोखाधड़ी करके उन्हें जेल बेचकर मकान ढहाने के बाद जमीन पर कब्जा कर लिया। मामला भैया जबरदस्ती हमार लोगन का जमीन हड़पा गवा बा, ऊपर से पैसा खियाए के पुलिस दरोगा के SDM के मार्ग जबरदस्ती हड़पे हैं। हाँ, और हमार घर गिराए दिए, 3 पेड़ हमार काट के, नारियल का पेड़ और आमला का पेड़, 3 रहा हमार शाही गंडा काट के फेंक दिए, अमरूद का पेड़ देखा झुराई गवा बा, हमार मड़ई गिराए दिए हैं एकदम, खाना पीना बनवे के दिक्कत, लड़कियन के टट्टी पिसाब के दिक्कत, हमारे लोगों की बड़ी दिक्कत बाहर। अवैध तरीके से महिला की जमीन पर कब्जा करने के मामले में कोर्ट ने न केवल IAS राजेंद्र पेशिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, बल्कि तत्कालीन कटरा कोतवाली प्रभारी अजय श्रीवास्तव, बरौंदा चौकी प्रभारी रीता यादव और पूर्व BJP जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह और उनके भाइयों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। CGM महोदय की कोर्ट के द्वारा जो एक प्रकरण वाद कायम हुआ था उसमें एक आदेश किया गया था 156(3) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने के लिए। तत्कालीन SDM सदर श्री राजेंद्र पैसिया, अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक कटरा कोतवाली और उप निरीक्षक रीता यादव और सुनील कुमार सिंह पुत्र जगदीश, डब्बू सिंह वगैरह, इन लोगों के विरुद्ध कायम किया गया। तकनीकी आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ है, इसकी विवेचना की जा रही है। IAS राजेंद्र पेशिया के लिए मिर्जापुर तैनाती सुखद नहीं रही। एक और इसी साल शादी के 2 पहले 5 फरवरी को शिवपुर में बिरला घाट पर दीपक जलाते वक्त गंगा में गिरकर डूबने से उनकी पत्नी की मौत हो गई। तो एक और अवैध जमीन के कब्जे के आरोप में FIR दर्ज होने से IAS अधिकारी राजेंद्र पेशिया की मुश्किलें बढ़नी तय है। नेशनल वॉइस के लिए मिर्जापुर से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट।